पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास गुम्मा से किया गिरफ्तार। न्यायालय में जज के सामने किया पेश दुष्यंत ठाकुर ने अपनी पत्नी को खुद गोली मारकर तमंचा फेंका था नाली में। 40 दिन बाद इलाज के दौरान हुई थी मौत। दुश्मनों को फंसाने के लिए जिला पंचायत सदस्य बंटी राजपूत सहित 4 लोगों के नाम दर्ज कराई गई थी षड्यंत्र के तहत FIR। आरोपी द्वारा पुलिस पर दबाव बनाने के लिए किया था रोड जाम और थाने का घेराव। काफी लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोपी की पेशी के दौरान थाना मिरहची कस्बे में और न्यायालय पर लगाया गया था भारी संख्या में पुलिस फोर्स। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। थाना मिरहची कस्बे के नगला श्याम का था पूरा मामला। दिनांक 26 अक्टूबर को रात्रि 9:30 बजे एक 28 वर्षीय महिला के गोली मारने से घायल हुई और इलाज के दौरान बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना में 4 लोग नामित किए गए थे और मृतिका के पति ने इस पे 4 पे आरोप लगाया था कि 4 लोगों ने गोली मारी है। पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन की, FSL की टीम की मदद ली, इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी साक्ष्यों का गहराई से विश्लेषण किया तो इसमें घटना में मृतिका के पति की संलिप्तता पाई गई। नामित 4 आरोपी इसमें पुलिस की छानबीन से निर्दोष पाए गए और आज इस घटना में मृतिका के पति की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और गिरफ्तारी करके उनको सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जेल भेजा जा रहा है। पता सर, इस पूरे फर्जी केस प्लांट में क्या आरोपी के अलावा और भी कुछ लोग साथ थे या उन पर भी कार्रवाई होगी? इस केस में अभी जो घटना कारित करने में भूमिका पाई गई है वो मृतिका के पति की पाई गई है। उसका नामित आरोपी गणों के साथ पैसे के लेन देन था, कुछ पैसे उधार में थे। मृतिका के पति ने उनको 30 अक्टूबर को वापस देने का पंचायत में वादा किया था, वो पैसे ना देने पड़े इस कारण मृतिका को उसने गोली मारकर उपरोक्त नामित आरोपी गणों को फंसाने के उद्देश्य से इस प्रकार की घटना रची, किंतु गोली वाइटल पार्ट पर लगने के कारण बाद में इलाज के दौरान मृतिका की मृत्यु हो गई। मकान में रहने वाले किराएदार से मृतिका के पति का टेलीफोन से हुई वार्ताक्रम, उसकी ऑडियो क्लिपिंग और उसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा दिनांक 31 अक्टूबर को पुलिस टीम द्वारा बरामद कर लिया गया था। तदुपरांत मृतिका के पति ने अपनी लोकेशन को लगातार बदलता रहा, हफ्तों तक मोबाइल स्विच ऑफ रखा, अनेकानेक प्रकार के बहाने बनाए और अंत में देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।